हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने मिनट सो में कल रात आठ पचपन किन्हीं वजहों से यह ना हो सका वैसे तो मेरी तो इच्छा बहुत पहले से भी थी कि मैं इस शो को दिन में लेकर के आ जाऊं तो ये दस मिनट का लगभग रोजाना होने वाला सोमवार से शुक्रवार शनिवार नहीं सोमवार से शुक्रवार रोजाना होने वाला द टेन मिनट शो है एक दो दिन में नेक्स्ट वीक में मैं इसके टाइम को ही फिक्स कर दूंगा कि ये कितने बजे होगा। इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है SSC Adda YouTube पे, आप वहां जाके देख सकते हैं तो अगर आप सबका इजाजत हो तो शुरू करते हैं द टेन मिनट शो आज का टॉपिक क्या है वर्ल्ड जियोग्राफी में एक क्वेश्चन लगभग आपको हर पेपर में मिलता है कि नदी एवं उनके किनारे बसे हुए शहर तो आज हम लोग विश्व न सिर्फ भारत बल्कि विश्व की समस्त बड़ी नदियों को लेकर के वो तीस से पैंतीस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो आप एग्जाम हॉल के बाहर दो मिनट में दोहरा सकेंगे क्लियर है तो स्टार्ट करें विश्व एवं भारत की प्रमुख नदियों के किनारे बसे हुए शहर सभी लोग रेडियो तो चलिए आपके सामने भारत एवं विश्व की नदियों के किनारे बसे नगर आ चुका है पहला क्वेश्चन लाने जा रहा हूं सब लोग आंसर करना एक मिनट छियालीस सेकेंड हो चुका है अगले आठ मिनट में तीस क्वेश्चन शानदार जुड़िएगा पहला टाइग्रिस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है सबको में कम से कम से सही करना है बिल्कुल सर टाइग्रिस नदी के किनारे आपके ए ऑप्शन बगदाद बसा हुआ है यह बहुत ही प्राचीन शहर है बहुत ही मतलब कि प्राचीन सभ्यताओं की देन है आपके आ, बसा हुआ बगदाद सर अगला आसवान या मिस्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है आपको यह भी बता दे कि आपको ऐसे भी बोलता है कि नील नदी की देन किस शहर को मानते हैं तो नील नदी की देन हम आसवान को मानते हैं और राइट आंसर बी है मेरे भाई अगला क्वेश्चन रोम इटली किस नदी के किनारे बसा है सिर्फ विश्व ही नहीं हम लोग भारत की भी इंपॉर्टेंट नदियों की बात करेंगे रोम इटली किस नदी के किनारे बसा है सी टाइबर नदी के याद रखना टाइबर और टाइग्रिस में अंतर है ठीक है ना तो ये रोम विश्व की साम्राज्ञी भी इसको हम लोग कहते हैं ठीक है ना इटली वर्ण का देश भी इसको हम लोग कहते हैं रक्त वर्ण का देश भी इसको हम लोग कहते हैं थेम्स नदी के किनारे कई जगह आप इसको थेम्स थेम्स भी पढ़ेंगे ठीक है ना थेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है बिल्कुल आपका आंसर सही है थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है लंदन और आप ये ये थेम्स नदी का बड़ा फेमस सीन है इसको आप लोग कहीं भी गूगल पे सर्च करेंगे तो तुरंत आपका ये आ जाएगा पेरिस फ्रांस किस नदी के किनारे मतलब जो फ्रांस में स्थित पेरिस है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये बसा हुआ है मेरे भाई आपके डी ऑप्शन सी नदी के किनारे अभी भारत का भी आएगा रुके तो रहो अगला लिवरपूल इंग्लैंड किस नदी के किनारे बसा हुआ है लिवरपूल जो इंग्लैंड के प्रतिष्ठित शहरों में से एक है यह बसा हुआ है आपके मर्सी नदी के किनारे क्लियर है मर्सी नदी के किनारे डेन्यूब नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है बेलग्रेड बुडापेस्ट वाशिंगटन या वियाना डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्त बुडापेस्ट चूंकि यह दस मिनट का शो है और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कवर करने होते हैं तो इसलिए हम लोग को थोड़ा तेज तो पढ़ना पड़ेगा ठीक है थोड़ा तेज तो पढ़ना पड़ेगा अगला क्वेश्चन वाशिंगटन किस नदी के किनारे बसा है ये वही वाशिंगटन है जिसके लास्ट में हम डीसी लगाते हैं और डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और ये बसा हुआ है पोर्टमैक नदी के किनारे क्लियर है पोर्टमैक नदी के किनारे आपका वाशिंगटन अगला वियना वियना या आश्ट, का जो सहर वियना है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है डेन्यूब राइन या इरावदी सोच समझ के आंसर करिएगा और दोस्त 400 लोग कम से कम लाइव हो तो 400 लाइक तो कर दो यार वियना ऑस्ट्रिया किस नदी किनारे बसा है ये ऑप्शन डेन्यूब नदी के किनारे बसा है अगला क्वेश्चन हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है याद रखना यह मात्र आठ मिनट का शो आपको डेली एक नंबर और एक कदम आपके एग्जाम की तरफ बढ़ाएगा सी न्यूयॉर्क अगला उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है स्वान छिप्रा विशुला या टाइग्रिस निश्चित तौर पे उज्जैन छिप्रा नदी के किनारे जिसने अभी गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में ग्यारह लाख से ज्यादा दिए जला करके शिवरात्रि के अवसर पर एमपी ने अपना नाम दर्ज कराया बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है बगदाद सांची आसवान या खारतून सोच समझ के बताएगा तो दोस्त इसका राइट आंसर है बी नदी के किनारे साची। अगला क्वेश्चन हैदराबाद किस नदी किनारे बसा हुआ है जल्दी जल्दी आंसर करने की कोशिश करो हैदराबाद सर हैदराबाद बसा हुआ है मुशी नदी के किनारे चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है बगदाद कोटा आसमान या खारतून सर जाहिर सी बात है कोटा क्लियर है ना जाहिर सी बात है आपके कोटा शहर बसा है जो अन्य शहर इसके किनारे बसा है दैट इज ग्वालियर भी याद रखना कि ग्वालियर भी इसके किनारे बसा है अगला लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है गोमती विशुला या टाइग्रिस तो सर लखनऊ बसा हुआ है बी ऑप्शन गोमती इस लखनऊ के आपके किनारे गोमती नदी के किनारे सुल्तानपुर भी है और जौनपुर भी है ये जो साइड में मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं उनको भी ध्यान देते रहना कि और कौन सी नदी इस गोमती के किनारे बसी हुई है अगला क्वेश्चन सरयू नि, नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है सर सरयू नदी के किनारे बसा हुआ शहर है आपके अयोध्या सबसे ज्यादा चर्चाओं में अयोध्या है साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है बताइएगा साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है सर निश्चित तौर पर साबरमती के किनारे अहमदाबाद याद रखिएगा गांधीनगर भी साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है अन्य शहर कौन सा है गांधीनगर इस साइड में दोस्त देखते रहो ठीक है ना और मैं आपको बता दूं कि अब शो दिन में ही चला करेगा मंडे को आपको मैं यह बता दूंगा कि किस टाइम फिक्स कौन सा टाइम है राउर केरला किस नदी के किनारे बसा है राउर केरला तो सर राउर केरला बसा हुआ है ब्राह्मणी नदी के किनारे अगला क्वेश्चन गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहीं के लोकल निवासी हैं और यह बसा हुआ है आपके डी ऑप्शन राप्ती नदी के किनारे क्लियर है ना ये गोरखपुर शहर जो कि राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है हिंडन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है हिंडन नदी के किनारे दो सी ऑप्शन गाजियाबाद बसा हुआ है अगला देखेंगे बरेली किस नदी के किनारे बसा हुआ है सोचिएगा समझिएगा और आंसर करिएगा सर बरेली स्वान चंबल विशुला रामगंगा। सर डी ऑप्शन है आपके रामगंगा यह मुरादाबाद शहर भी कहां बसा हुआ है चंबल मुरादाबाद और बरेली दोनों आपके सॉरी रामगंगा के किनारे बसा हुआ है क्षमा करिएगा मुझे ये दोनों आपके कहां बसे हुए हैं रामगंगा तो यहां से भी एरो ले लिया जाए और यहां से भी एरो ले लिया जाए ठीक है ना अगला देखेंगे सतलज नदी के किनारे कौन बसा हुआ है सर लुधियाना बसा हुआ है सतलज नदी के किनारे क्लियर है सतलज नदी के किनारे अगला मदुरई किस नदी के किनारे बसा है इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य है आपको एक नंबर दिलवाना किसी भी एग्जाम में सी वैगई नदी जरूर याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है मंदिरों का शहर भी है वाराणसी के अलावा इसको कहा जाता है गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है सर जाहिर सी बात है हरिद्वार बसा है गंगा नदी के किनारे ठीक है हरिद्वार गंगा नदी हालांकि गंगा नदी के किनारे आप देख सकते हैं अन्य कितने शहर बसे हुए हैं एक बार इसका वैसे स्क्रीनशॉट क्या मैं तो इसका पीडीएफ आपको दे ही दे दूंगा आप देख लीजिएगा कि स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो जल्दी से ले लो ठीक है स्क्रीनशॉट भी अगला क्वेश्चन दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है सर दिल्ली बसा हुआ है यमुना नदी किनारे अन्य शहर है आगरा मथुरा इटावा और दिल्ली आगरा मथुरा इटावा भी यमुना किनारे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है सर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी बसा हुआ है ब्रह्मपुत्र के किनारे डिब्रूगढ़ भी है गुवाहाटी भी है माजुली द्वीप भी है धुनरी आसाम भी है ये सब भी ये जो साइड में आ रहे हैं ना इनको इग्नोर मत करके इनको भी पढ़ के जाना अगला होशंगाबाद अभी हाल फिलहाल में इसका नाम भी मध्य प्रदेश के तीन ऐसे जिले थे जिनको बदल दिया गया है बी ऑप्शन नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर होशंगाबाद और भरूच ये तीनों के तीनों नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं कितना मस्त सा दिख रहा है ना अगला क्वेश्चन ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है सर ताप्ती नदी के किनारे बी ऑप्शन सूरत उसके अलावा बेतुल मध्य प्रदेश का भी ताप्ती नदी के किनारे ही बसा हुआ शहर है अगला क्वेश्चन कटक किस नदी के किनारे बसा है सर कटक बसा हुआ है आपके महानदी के किनारे और इसी कटक के किनारे संबलपुर उड़ीसा कटक और संबलपुर दोनों बसे हुए हैं महानदी के किनारे नेक्स्ट क्वेश्चन गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है सोचिए समझिए आंसर करिए सर गोदावरी नदी के किनारे सी ऑप्शन नासिक बसा हुआ है साथ ही साथ नांदेड़ और राजमुंदी नामक जगह भी इसी नासिक के नासिक के साथ गोदावरी नदी के तट पर है विजयवाड़ा बहुत बार आपके एग्जाम पेपर में आया है विजयवाड़ा विजयवाड़ा दोस्त ए ऑप्शन कृष्णा नदी के किनारे है कौन सी नदी है मेरे भाई तो विजयवाड़ा आपके कृष्णा नदी के किनारे अगला कावेरी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है सर कावेरी के किनारे बसा हुआ है मैसूर कावेरी के किनारे ही तिरुचिरापल्ली इरोड तंजावुर श्रीरंगपट्टनम मैसूर ये भी आपके कावेरी के ही किनारे बसे हुए हैं क्लियर है अगला क्वेश्चन तो थैंक यू मेरे दोस्त मेरे भाई आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को ये द टेन मिनट शो पसंद आता है देखो एग्जैक्ट दस मिनट में खत्म तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें शुक्रवार के लिए मैं आपको मतलब आज तो आपके थर्सडे हो गई शुक्रवार के लिए मैं एक और बढ़िया टॉपिक इसी समय लेके आऊंगा बारह बजे और हाँ शनिवार रविवार के बाद मंडे को मैं आपसे मिलूंगा कोई एक फिक्स टाइम करके जो मैं अपने डेली सुबह के आठ बजे के करंट अफेयर में बता दूंगा तब तक के लिए धन्यवाद कैसा लगा आपको ये द टेन मिनट शो मुझे जरूर बताइएगा आज का टॉपिक आपका ये था आपका दिन शुभ एवं मंगल हो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स